हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदास्त्रास द हिंदू एनालिसिस फॉर 27th of September 2023। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं 27 सितंबर में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है CGL 2023 के जो प्री का एग्जाम हुआ है वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 5 साल 4 साल के पीरियड के लिए जो एक स्कीम लॉन्च की गई है, इस स्कीम का नाम बताना। कौन सा स्कीम, ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी किस चीज़ के लिए, फंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड करेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए और सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के आठों स्टेट्स हैं ना, उस स्टेट्स में फंड इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सामाजिक जो विकास है उसको लेके ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का नाम बताना आपको। वीडियो के अंतिम में मैं आपको ये आंसर बताऊंगा। आपको तब तक कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने आर्टिकल्स की तरफ। फ्रंट पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बस आपको एक देखने को मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। ये जुडिशरी का है। इसमें क्या बातें की जा रही है, बेसिकली जुडिशरी में जो हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम है इसमें काफ़ी सारे सीट्स वैकेंट है। कई सारे जजेज जो रिक्वायरमेंट होता है, ये कॉलेजियम जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कॉलेजियम वगैरह, ये सजेस्ट करता है किस जज को कहाँ पे रिक्रूट करना चाहिए। बट इस कॉलेजियम का अप्रूवल जो मिलता है ये गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। गवर्नमेंट किसी नाम को, किसी पर्सन को अप्रूवल दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किसी को नहीं दिया जाता। इसी को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चिंता जताई जा रही है। बस इसी के बारे में ये आर्टिकल आया है। इसमें आपको डीप में नहीं जाना, आपको यहाँ पे बस ये न्यूज़ पढ़ना है। ये क्या, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो इस बार का मिलने वाला है, इस बार का ना, ये बेसिकली 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने वाला है इस एक्ट्रेस को, वाहिदा रहमान जी को 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। इससे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है मिल चुका है किसको, रजनीकांत जी को, अमिताभ बच्चन जी को और काफ़ी सारे एक्टर्स को। ओके, इंडियन सिनेमा में दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है इंडियन सिनेमा में। और बगल में आपको ये देखने को मिल रहा है इंडियन क्वार्टेट विंस गोल्ड इन टीम ड्रेसेस। ये बेसिकली इक्वेस्ट्रियन प्लेयर है जो कि होंगजाउ एशियन गेम्स जो 19th एडिशन हो रहा है कहाँ पर चाइना में, इक्वेस्ट्रियन प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है कहाँ पर, होंगजाउ में। 19th एशियन गेम्स होंगजाउ चाइना में हो रहा है। 18th कहाँ पर हुआ था, जकराता में। आगे बात करेंगे आर्टिकल में डिटेल में दिया हुआ है स्पोर्ट्स वाले पेज में। ओके, सो ये था दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इंडियन सिनेमा का सबसे जो ऊपर का अवार्ड होता है, सबसे बेस्ट अवार्ड ये होता है 2021 के लिए ये दिया गया है। 22 और 23 के लिए अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एडिटोरियल बस आपको एक पेज पढ़ना है। एडिटोरियल वाले पेज में दो होता है, ओपिनियन वाले पेज में एक होता है। इन तीनों में से एक चुन के पढ़ो क्योंकि आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक घंटा से ज़्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग में नहीं देना है। ओके, एक मैंने लिया है सेकेंड वाले, जो क्लाइमेट चेंज है किस तरीके से डिजीज़ का सिनेरियो जो है हमारी कंट्री में उत्पन्न कर रहा है। क्लाइमेट चेंज बेसिकली टेम्परेचर वगैरह चेंज हो रहा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंज हो रही है, इसको लेके यहाँ पे बात की जा रही है इन दोनों राइटर्स के द्वारा। यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है क्लाइमेट टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर घटने से और भी कई सारे फैक्टर्स इन्वायरमेंट के चेंज होने से किस तरीके से अलग अलग डिजीज जो है हमारे कंट्री में किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। जैसे केरला में आपको लास्ट ईयर में देखने को मिला होगा जो निफा वायरस आया था, ये वायरस वगैरह और भी कई सारे एनिमल से रिलेटेड भी डिजीज यहाँ पे बात की जा रही है, वो भी डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ कई सारे वायरल इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस होते हैं क्लाइमेट चेंज से, इसी को लेकर ये आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। मेरे यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको डिटेल में इसको पढ़ना है, पढ़ के बस समझना है, उसके बाद भूल जाना है, यानी कि छोड़ देना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वर्ल्ड वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि न्यूज़ वाले पेज से कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल न्यूज़ से भरे पड़े हैं वो, जो नारी शक्ति वंदनम अधिनियम आया उनको लेके क्रिटिसिज्म वगैरह, ये सारी चीज़ें, उनमें आपको डिटेल में नहीं जाना, बस इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन बस आपको पढ़ना है, उसके बाद छोड़ देना है। स्टेट वाले पेज में आज भी कुछ नहीं है, न्यूज़ वाले पेज में भी कुछ नहीं है। बस एक इसरो का रॉकेट जो है गगनयान मिशन को लेकर तैयारी चल रही है उसके बारे में आया है। जब डिटेल में आएगी तो फिर हम लोग किसी एक दिन उस आर्टिकल को मेंशन कर लेंगे। ओके, वर्ल्ड वाले पेज में आपको पता होगा क्या, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कुमार दहल प्रचंड जी, ये कहाँ की विजिट पे है, बीजिंग की विजिट में है चाइना में। यहाँ पे कई सारे पैक्ट्स वगैरह जो है एग्रीमेंट वगैरह ये साइन किए जा रहे हैं चाइना में, और वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव वगैरह साइन किए जाएंगे, इसके साथ कोऑपरेशन बिठाए जाएंगे पोर्ट्स वगैरह को डेवलप लेके, बॉर्डर्स में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह किए जा रहे हैं चाइना और नेपाल के बीच में। ओके, नेपाल हमारी तरफ से एक इंडिया के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, काफ़ी सारे प्रोस्पेक्ट्स को लेके, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा।
और इनमें से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक है, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है नेपाल के साथ हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। इसके साथ भड़ेज डिस्ट्रिक्ट जो कि नेपाल के उत्तर प्रदेश में, भड़ेज डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रुपई दिया लैंड पोर्ट ये डेवलप किया जाएगा, जहाँ से नेपाल से कई सारे जो मटेरियल्स वगैरह है ये लाने आने में आसानी हो। ओके, रुपई दिया लैंड पोर्ट, RUPIDIAH लैंड पोर्ट भड़ेज डिस्ट्रिक्ट UP में आपको देखने को मिलेगा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ये पुष्प कुमार दल प्रचंड जी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसमें कुछ आगे और ये आर्टिकल जो है वर्ल्ड वाला पेज में, और कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। बाकी ये वायलेंस वगैरह वाले इन सब चीज़ों पे आपको कुछ उतना ध्यान नहीं देना। ये कमांडर वगैरह यूक्रेन का, इनका डेथ हो चुका है, इन सब चीज़ों से नहीं मतलब होना चाहिए। बाकी एक टेंशन हो रही है हमारी कंट्री में, टेंशन बेसिकली ये कनाडा जो है वहाँ पे एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का या फिर मूवमेंट का ये सब खालिस्तानी पर्सन का क्या हुआ, डेथ हुआ, इसको लेके काफ़ी आर्टिकल में आ रहे हैं। इससे हमारा एग्जाम में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसे आर्टिकल्स में आप प्लीज़ ध्यान ना दें तो ठीक रहेगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, स्पोर्ट्स वाले पेज पे। स्पोर्ट्स यहाँ क्रिकेट मैचेस हुए हैं, इसको ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच नहीं है इसलिए मैंने इसे शामिल नहीं किया आज के वीडियो में। बाकी आते हैं अपने स्पोर्ट्स वाले पेज पे, जो होंग जाओ चाइना में गेम हो रहा है इसको लेके यहाँ पे बात की जा रही है। मेंस हॉकी टीम ये सिंगापुर को हरा के विक्ट्री बन गया है कहाँ पे, हांगझाऊ में। जब फाइनल इसका मैच होगा फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। नाउ स्क्वॉश वर्ल्ड स्क्वॉश जाए, स्क्वॉश के लिए भी हमारे कंट्री ने डिफीट कर दिया किसको, पाकिस्तान को। ये डिफीटिंग ये जो है एक इंडियन फेंसर भवानी देवी, ये फेंसर क्या है बेसिकली तलवारबाजी प्लेयर है भवानी देवी, ये चेन्नई से बेसिकली, इनको यहाँ पे डिफीट जो है हार का सामना करना पड़ा है इंडियन फेंसर भवानी देवी को। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज दिस, ये क्या है बेसिकली, हॉर्स राइडर्स इक्वेस्ट्रियन एक गेम होता है जहाँ पे हॉर्स को राइड किया जाता है, घोड़े को चलाया जाता है। इनमें चार प्लेयर जो हमारे कंट्री के जो गोल्ड मेडल यहाँ पे जीत चुके हैं, इन चारों के नाम बस आपको ऊपर ऊपर से देख लेना है। ये क्या है, सुदीप्ति हजिया, और ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इसके घोड़े के नाम है, हॉर्सेस के नाम, दिव्य कीर्ति सिंह, उसके बाद हृदय चेडा, देन अनुस अग्रवाल। ये चारों प्लेयर्स यहाँ पे गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीत के लाए हैं, कहाँ से, चाइना के होंगझाऊ से, 19 एशियन गेम से। ओके, इक्वेस्ट्रियन बस आपको पता होना चाहिए हॉर्स राइडिंग का गेम होता है, और इक्वेस्ट्रियन में हमारे कंट्री ने गोल्ड मेडल जीता है। लास्ट टाइम 1982 में 3 गोल्ड मेडल जीते थे, और इस बार 1982 में लास्ट टाइम 3 गोल्ड मेडल इक्वेस्ट्रियन के फील्ड में जीते हुए थे, और इस बार 4 गोल्ड मेडल इक्वेस्ट्रियन के इवेंट में हमारी कंट्री के द्वारा जो यूथ्स हैं इनके द्वारा जीते गए हैं। इन चारों के नाम बस आपको याद होना चाहिए, याद मीन्स ये आपको ऊपर ऊपर से देख लेना है। ओके, सो ये था आज का आर्टिकल, आज इसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, आप न्यूज़पेपर पे उतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करेंगे अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। बाकी करेंट अफेयर्स यहाँ से कवर नहीं करना, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप होनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब होना चाहिए। करेंट अफेयर्स आपको किसी एक पर्टिकुलर जो अगर आपको करेंट अफेयर्स में उतना, अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करेंट अफेयर्स में आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बाकी आपके मैथ्स रीजनिंग एंड GS के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, GS में भी आपकी स्टैटिक पोर्शन जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। करेंट अफेयर्स के लिए आप एक द पंडित ग्रुप का जो PDF आता है वो PDF आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें, मंथली वाइज आता है, 100 क्वेश्चन के आसपास रहता है एक मंथ का, बस उसे आप देखें, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ें, करेंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि जो भी आप पढ़ेंगे वो 100% आएगा ही, 30-40% ही आप ला पाओगे वहाँ पे एग्ज़ाम में, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होता है करेंट अफेयर्स, कोई भी ईयर का पूछ सकता है। जैसे आप CGL 2023 का पेपर उठा के देखो, 21 से लेके 23 तक का पूछा हुआ, उसमें भी कोई क्वेश्चन जो है वो डीप में जाके पूछे हुए हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा करेंट अफेयर्स में उतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करने को लेकर, इसके अलावा टाइम बचा के आप मैथ्स और इंग्लिश में ज़्यादा डिवोट करें तो बेहतर रहेगा। सो ये था आज का आर्टिकल, मिलेंगे हम लोग कल यानी कि 28th ऑफ सितंबर को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।